तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सागर टुडे। तो जैसा कि एक दो दिन से आप देख रहे हैं, बांग्लादेश में काफी बवाल चल रहा है। प्रोटेस्टर जो हैं इधर उधर जगह जगह तोड़ा फाड़ी कर रहे हैं, लूट रहे हैं सामान, चोरी डकैती कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं। वो इवन पीएम के हाउस तक गए और प्रधानमंत्री के आवास में जाके उन्होंने काफी सामान लूटा, तो आपने देखा होगा। और जो शेख हसीना जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और उनको देश निकाला दिया। तो वो अपना बांग्लादेश देश छोड़ के वो इंडिया आई अपनी बहन के साथ, सिस्टर के साथ, एक स्पेशल हेलीकॉप्टर में। तो उसके बाद जो बांग्लादेश है वहाँ पे जो हिंदुओं के साथ प्रोटेस्टर्स ने बहुत ही गलत बर्ताव करा, मंदिर हिंदू के जो मंदिर हैं उन पे आग लगाई, मूर्तियाँ गिराई, और हिंदू के जो घर हैं उनमें आग लगाए, उनके घर जलाए, उनकी जो दुकानें थी उसमें काफ़ी लूटपाट करी, सामान चोरी करी और काफ़ी लॉस, काफ़ी डैमेज दिया पूरे बांग्लादेश के जगह जगह एरियाज़ में। और बहुत ही परेशान हो गए थे वहाँ पे जो हिंदू थे, और वो जो है इंडिया से गुहार लगा रहे थे। उनको बचाने के लिए वो बॉर्डर तक आ गए थे और वहाँ पे जो जेल है, जेल से भी कैदी निकल गए थे। तो बहुत 2 दिन से ये बवाल चल रहा है पूरा बांग्लादेश के साथ। आप कहीं पे भी जाएंगे, अभी यही न्यूज़ चल रही है लेटेस्ट। तो इसी दौरान एक बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ है, तो कल प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करेंगे मोहम्मद यूनिस। ये नोबल पीस पुरस्कार इनको मिल चुका है और कल 2:10 में ढाका में ये शपथ लेंगे। तो कल प्रधानमंत्री जो है बांग्लादेश के बन जाएंगे मोहम्मद यूनिस, और जो जनता है इस पे काफ़ी खुश है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि उनके प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद वो किस तरीके का निर्णय लेते हैं, क्या डिसीजन लेते हैं, और उसके बाद आगे जो बांग्लादेश जो देश है उसकी क्या आगे कंडीशन होती है, वो किस तरीके से उसको कैरी ऑन करेंगे इतना प्रोटेस्ट होने के बाद। तो चलिए, आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय।